Inside Gear. वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो गाइस। भाई मैं हूं निशित और ये भाई अपनी वैगनर्स के कई सारे वीडियो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि इस वीडियो में बात करेंगे भाई वैगनर के अपने टायर्स की, जो अपने टायर जो है जो अपग्रेड वीडियो में बात करने वाले हैं अपने टायर्स की, जो टायर जो है वैगनर में मैंने अपग्रेड कराए थे उस वाले वीडियो को भाई आपने बहुत प्यार दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो भाई अपना जो टायर साइज रहने वाला है इस वाली वैगनर का वो रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 165/70R14। और भाई जो स्टॉक टायर जो इस वाली वैगनर की शेप में आता है वो था 155/60R13 का। ये वाले जो मैंने टायर है ये 6 महीने पहले इसमें अपग्रेड कराए हैं। इसमें मैं अपने आपका इन टायरों का रिव्यू दूंगा कि भाई कैसे ये टायर हैं, कैसा परफॉर्मेंस है इन टायरों का, क्या आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ये वाले टायर आपको इस वाले वेरिएंट में लगवाने चाहिए। इस सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मौसम भाई बहुत बढ़िया हो रहा है, यूनिटी मॉल आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ भाई पेड़ के पीछे है दलीला होटल और थोड़ी थोड़ी भाई बारिश भी पड़ रही है। तो भाई वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाएं। पुराने वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, शुरू करते हैं आप डिटेल में इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे भाई लुक्स की। तो लुक्स की बात ये है, जब आप इस वाले वैगनर की टायर प्रोफाइल साइज को देखेंगे, मैं जूम करके दिखा बताना चाहूँगा, ये जो विथ है भाई टायर की और इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो स्टॉक टायर है उससे काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने टायर साइज अपग्रेड करवाया भाई वो पीछे से देख के बोलते हैं कि भाई गाड़ी में तुमने अलॉय लगवा रखा है, क्योंकि टायर जो विद है अच्छी खासी वो फैल जाती है। तो जो पीछे का जो लुक है भाई वो एकदम निखर के आता है इसका, इस वाले टायर प्रोफाइल का। और बात करें भाई टायर के हाइट की, तो भाई टायर का हाइट जो है वो कुछ इस तरह से, आपको अभी कैमरा का एडजस्ट कर पा रहा होगा तो लग रहा होगा कि गाड़ी जो टायर की हाइट बढ़ी है उसके साथ साथ गाड़ी की जो हाइट है भाई वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको इस एक बार ये दिखा के, ये जो मोटाई है भाई टायर की ये देखिए, प्रोफाइल ये भी आपको इसका दिख पा रही होगी। तो कुल मिला के भाई लुक्स की बात ऐसी है, गाड़ी थोड़ी सी उठ जाती है, पीछे से लुक अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई व्हील लगवाए हुए हैं, लेकिन भाई मैंने अभी इसको मैं स्टील रिम पे ही चला रहा हूँ। लुक अच्छे हैं, लुक के हिसाब से भाई लगवा सकते हैं, नंबर एक लुक है, पास है एकदम लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो भाई परफॉर्मेंस की बात ऐसी है, छोटे मोटे जो गड्ढे हैं ये भाई बहुत प्यार से जो है पार कर देती है पहले के मुकाबले। साथ ही भाई बात करूं बॉडी रोल की, भाई कोई बॉडी रोल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आग बंद करके 165/70R14 का जो टायर है वो लगवा लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। तीसरी जो सबसे भाई ज़रूरी बात है माइलेज। टायर बदलवाते वक्त, अपग्रेड करवाते वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्या भाई माइलेज घटेगा या बढ़ेगा। मैं बता दूं भाई कोई भी फ़र्क जो है नहीं आया माइलेज पे इन टायर वाली प्रोफाइल पे, 165/70R14 प्रोफाइल माइलेज के लिए कोई इशू नहीं होने वाला है, लगवा सकते हैं। नई वाली वैगनार जो आ रही है, जो करंट शेप की वैगनार है भाई, उसमें भी जो है 165/70R14 का टायर जो है वो स्टॉक में आ रहा है, जो करंट वैगनार है उसमें एवरेज अच्छा है, लुक्स अच्छे हैं, छोटे मोटे गड्ढे पार कर दे रही है, कोई बॉडी रोल भाई नहीं है इस वाली वैगनार में इन टायरों के साथ, इसलिए भी भाई लगवा सकते हैं, रिकमेंड करूँगा 165/70R14 आप जा सकते हैं इस वाली टायर प्रोफाइल के साथ वैगनार की इस वाली शेप में। मैं अपने लास्ट कमेंट देने वाला हूँ इस वीडियो में एंड में, लगवा लीजिए 165/70R14। प्राइस भाई बता दूं आपको एक बार, प्राइस आपको इसका रहने वाला है चारों टायरों का 14,000 के लमसम पड़े थे मेरे को, मैंने गाज़ियाबाद से लगवाए थे एक जगह पे। ये प्रोफाइल बेस्ट प्रोफाइल है वैगनार की इस वाली शेप के लिए। मैंने भाई 6 महीने चला के देखा है, 15,000 से ज़्यादा मैं रन कर चुका हूँ, बहुत लोहा लाट टायर है। चढ़ा दो वैगनार की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, गड्ढों में भी चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं होगी, आर्कुलेशन एकदम मस्त हो जाता है गाड़ी का जब गड्ढे वड्ढे में जाती है, तो भाई पता लगता है कि ये स्टॉक टायर नहीं रहे,
ये स्टॉक टायर नहीं है, अपग्रेड करा रखा है अभी। तो खैर गाड़ी प्लेन सरफेस पे खड़ी है, तो जब आर्टिकुलेशन पे खड़ी होती है गाड़ी तो भाई टायर जो निकल के बाहर आता है पीछे से किसी भी तरफ का, वो भाई बहुत मस्त लगता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 165/70 R14 के साथ आप जा सकते हैं वैगनार की इस वाली शेप में। तो भाई जिन लोगों को वीडियो पसंद आया वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी भाई वैगनार ओनर हैं, जो प्राउड ओनर हैं वैगनार के और टायर साइज़ अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं या फिर टायर बदलवाना चाह रहे हैं, वो भी जा सकते हैं। ब्रांड जो है भाई वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं, पैसे के हिसाब से। प्रोफाइल 165/70 R14 भाई बेस्ट प्रोफाइल है इस वाली वैगनार के लिए। Inside Gear.